हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्यूएचटी क्लिनिक चैनल के इस एपिसोड में। क्यूएचटी क्लिनिक सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि हमारे सेलिब्रिटीज, टीवी एक्टर्स और मॉडल्स के अलावा इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए एक भरोसा भी बन गया है। इसी भरोसे को आगे बढ़ाते हुए आज आपको मिलवाते हैं अपने एक ऐसे पेशेंट से जो कि 35 साल की एज में नॉर्वुड ग्रेड 7 बॉल्डनेस से स्ट्रगल कर रहे थे और किसी ट्रस्टेड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक की तलाश में थे। उन्होंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्यूएचटी क्लिनिक को क्यों चूज किया, उन्हें क्लिनिक का एनवायरनमेंट कैसा लगा, आइए उन्हीं से जानते हैं। मेरा नाम कुरवेंद्र पवार है, मैं अमरोहा का रहने वाला हूँ। मैं आज क्यूएचटी क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। मेरे फ्रेंड योगेंद्र कुमार के द्वारा हुई, उन्होंने यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराया और उनके बाल काफ़ी बड़े हो चुके हैं। इससे पहले मैं पेच का यूज करता था, लगभग 2 वर्ष से पेच का यूज कर रहा था, लेकिन उससे में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि हेयर ट्रांसप्लांट कराया जाए। 5 से 6 हज़ार के बीच में क्राफ्ट लगने हैं। ये बहुत अच्छा बिहेवियर है स्टाफ का। नॉर्वुड ग्रेड 7 की बॉल्डनेस की वजह से हमारे पेशेंट की हेयरलाइन कम्प्लीटली रिसीड हो चुकी थी। बॉल्डनेस मिड स्कैल्प से क्राउन रीजन तक विजिबल थी। डोनर एरिया भी एवरेज था, जिससे कि सफिशिएंट ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल था। सो वी एक्सट्रैक्टेड ग्राफ्ट्स फ्रॉम अंडर द जॉ लाइन आल्सो। बॉल्ड एरिया काफी स्प्रेड हो चुका था, तो ऐसे सिचुएशन में हम सर्जरी को नॉर्मली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सर्जरी के फर्स्ट पार्ट में हमारी टीम हेयरलाइन और मिड स्कैल्प पर फोकस करती है और सेकंड पार्ट में क्राउन रीजन पर सर्जरी परफॉर्म की जाती है। दोनों सर्जरीज में कुछ टाइम का डिफरेंस रखा जाता है। QHT टेक्निक से मेरी सर्जरी हुई है और सर्जरी बेहद ही आसान रही, ना किसी प्रकार का कोई दर्द हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा सर्जरी कराने के बाद। जैसा कि हम या और भी सुनने में आ जाता, कहते हैं कि ये होगा, दर्द होता, वो होता, ऐसा कुछ मुझे कहीं कभी भी महसूस नहीं हुआ सर्जरी के दौरान, और स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। अभी हमारे पेशेंट की सर्जरी का फर्स्ट फेज था, जिस पर हेयरलाइन और मिड स्कैल्प पर फोकस करना था। सो हमने अपने पेशेंट को यू शेप हेयरलाइन दी, जिस पर सिंगल और थिन फॉलिकल ग्राफ्ट्स जिगजैग पैटर्न में इम्प्लांट किए गए। मिड स्कैल्प पर डबल और ट्रिपल फॉलिकल ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट करने का मेन रीजन ये था कि ये ग्राफ्ट्स फ्यूचर में मिड स्कैल्प पर वॉल्यूम देंगे, जिससे कि बॉल्ड पैचेस पूरी तरह से हेयर ग्रोथ से कवर हो जाएंगे। टोटल 5000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो कि सेफ डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। आने वाले मंथ्स में हमारे पेशेंट की हेयर ग्रोथ कैसी होती है या उनके लुक्स में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद क्या डिफरेंस आएगा, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।